हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, आप बहुत ही जल्दी बना लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे 1 किलो फ्रेश मटर का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं 60-70% तक इसको बॉईल कर ले रही हूँ। जब तक हमारे मटर बॉईल हो रहे हैं, हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है, 3 से 4 तेज़पत्ता डाला है, 4-5 लौंग के दाने और ये 1 चम्मच पूरा फुल जीरा, 6 मीडियम साइज़ का प्याज घिसा हुआ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं तड़के की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये खाना 20 से 25 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तड़का अच्छे से भुनने के बाद इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है, 2 चम्मच मिर्च ऐड करना है, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है और हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। इस तड़के में अदरक लहसुन का पेस्ट का भी यूज़ होगा, बट मैंने इसे मसालों से पहले नहीं डाला है, क्योंकि वो थोड़ा जल जाता है। मैं अब इसको भूनने के बाद डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं अब इसमें पेस्ट ऐड करूंगी, इससे इसका फ्लेवर एनहांस रहता है और बिल्कुल भी जलता नहीं है। सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स करते हुए 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि इसमें ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें टमाटो प्योरी ऐड कर देना है एंड इसी के साथ 2 बड़े चम्मच नमक को ऐड कर देना है। ये प्योरी मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर से बनाया है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है। मसाला बहुत अच्छे से पक जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, हम इसमें अपने बॉयल किए हुए मटर को ऐड कर देंगे और उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर का बॉईल करने का फ़ायदा ये है कि सब्ज़ी बहुत जल्दी बनके तैयार होगी और इसमें कुछ भी कच्चापन हमें नहीं लगेगा। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें अपना काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। काजू का पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही क्रीमी लगेगी हमारी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना भी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए। उसके बाद हम इसमें अपना रॉ कच्चा पनीर डालेंगे, जिसको मैंने बहुत ही मोटे मोटे स्लाइसेस में कट किया है। अब मैं इसे आराम से 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख रही हूँ, ताकि ग्रेवी का सारा फ्लेवर पनीर में अच्छी तरह से जाए। सब्ज़ी को हम चेक करेंगे कि ये कितनी पक गई है। ये ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि गरम मसाला पूरी सब्ज़ी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए हमारा। इसी के साथ मैं थोड़ा सा मिल्क का क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस। इसमें मैं इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ एंड हमारी सब्ज़ी रेडी है। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।